ये सिविल हॉस्पिटल जो अहमदाबाद शहर में स्थित है, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। चलिए चलते हैं और इस अस्पताल के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ यहाँ के कुछ लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस अस्पताल में किस प्रकार का इलाज होता है, सही इलाज होता है कि नहीं होता है। और इसमें 7000 बेड है लगभग, उससे भी ज़्यादा पेशेंट का इलाज यहाँ पे होता है। अभी मैं उस अस्पताल के अंदर हूँ और ये स्पाइन का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्पाइन रोगी जो होते हैं उनका इलाज होता है। साथ ही साथ जो है बगल में कॉलेज भी है और कैंटीन भी है, पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। इस प्रकार का व्यवस्था जो है आखिर बिहार के अस्पतालों में क्यों नहीं होता है? अभी हम लोगों ने अंदर से परमिशन लिया और परमिशन लेने के बाद जो है हम अस्पताल के अंदर भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और हम जो यहाँ पे कैंटीन है, हॉस्टल है, कॉलेज है, उसको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे परमिशन लेने के समय में जब हमने सवाल किया कि आखिर आप लोग मीडिया को अंदर परमिशन दे रहे हैं, इसे कोई समस्या तो नहीं होगा, तो डॉक्टरों ने एक ही बात बोला कि अगर हम गलत करेंगे तब हमें समस्या होगा, हम गलत नहीं करेंगे तो हमें किस बात का डर। वहीं बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH में जब मीडिया वाले जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें रोक दिया जाता है, ज़रा सोचिए। और ये सिर्फ बिहार का नहीं, देश का नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है। अस्पताल के बाहर मुझे कुछ स्टूडेंट मिले हैं और कुछ लोग मिले हैं जिनसे मैं इस हॉस्पिटल के बारे में जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम चंद्रकांत दुबे है, मैं सन फार्मा में जॉब करता हूँ एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ अच्छा, ये बताइए कि इस अस्पताल में इलाज किस प्रकार से होता है? इस अस्पताल में सर इंडिया लेवल की जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सबसे अच्छा होता है, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। गुजरात ही नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड UP के भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। क्योंकि मैं UP से बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरे भी जो रिलेटिव वगैरह होते हैं मैं यहीं पर रिकमेंड करता हूँ, चाहे ऑर्थोपेडिक का केस हो चाहे कैंसर का केस हो। सच में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है? यस सर, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद का। एंड पूरे गुजरात में अलग अलग ब्रांचेज इसके हैं, जैसे राजकोट में है, मेहसाणा में है, पाटन नगर में है, सुरेंद्र नगर में है, बट एशिया का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंपस और सिविल हॉस्पिटल है, इसके अंदर BJ मेडिकल कॉलेज है एंड ऑल्सो फिजियोथेरापिस्ट कॉलेज भी है सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? फाटलिया रवि। अच्छा, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है स्पाइन इंस्टीट्यूट में, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, एक ऑक्यूपेशनल थेरापी अने फिजियोथेरापी, अने कॉलेज पण 3-3 छे। अच्छा, कॉलेज है ये और ये? कॉलेज और डिपार्टमेंट दोनों है। दोनों है और दोनों पास पास में है। अच्छा, आप लोगों को किसी भी प्रकार का समस्या होता है यहाँ पे? नहीं, समस्या कुछ नहीं होता है, सब अच्छी तरह से मिल जाता है। स्टूडेंट को हॉस्टल भी अच्छी तरह से मिल गई है। स्पाइन डिपार्टमेंट के बगल में जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? सर वो कैंसर डिपार्टमेंट है। अच्छा, कैंसर डिपार्टमेंट में कैसा इलाज होता है? कैंसर डिपार्टमेंट में एज ए कम्पेयर टू ऑल क्रॉस इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सबसे अच्छा इलाज होता है, पेशेंट के पैसे भी नहीं लगते हैं एंड बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। चाहे वो साइंटिफिक में लो, चाहे मेडिकल में लो, चाहे मेडिसिन में लो, चाहे डायग्नोसिस में लो, चाहे डॉक्टर लेवल पर लो। अच्छा। जो बाजू में VJ मेडिकल कॉलेज है उसके जो टॉप लीडिंग डॉक्टर अक्रॉस गुजरात के रहते हैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कैंसर अस्पताल के बगल में जो बिल्डिंग है बड़ा सा, वो क्या अस्पताल के जो बगल में बिल्डिंग है, वो गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल है जो कि डेंटल हॉस्टल है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड। जो पीछे जो है बिल्डिंग बड़ा सा दिख रहा था वो क्या है? पीछे हॉस्टल है, हॉस्टल के उसके आगे वो अपने 1200 बेड है जो कि कोविड के टाइम पे पूरे गुजरात के जितने भी सारे पेशेंट थे उसको कंट्रोल किया था। 1200 बेड। यस। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जैसे बैठे हुए हैं, वो लोग जो है बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं, जब उनसे हम लोग पूछ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक ठाक इलाज होता है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं कैमरे के सामने, क्यों? क्योंकि उनको मे भी या लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ के मोस्टली जितने भी लोकल पब्लिक है गुजराती ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं। अगर गुजराती में बोले आप शू थे तो बोलेंगे, अगर हिंदी में बोलो कि क्या हुआ तो अवॉइड करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मदन सिंह राजपुरोहित है। अच्छा, यहाँ पे हम राजस्थान से आए हैं भाई की जाँच करवाने के लिए। क्या चीज़ का जाँच करवाने के लिए? वो कैंसर की प्रॉब्लम थी। अच्छा, यहाँ पे इलाज कैसा होता है? इलाज तो अच्छा होता है, अभी क्या थोड़ा वो खाने पीने में तकलीफ आ रही है, वापस एक बार चेक कराने आए हैं।
अच्छा, खाने पीने में तकलीफ, इलाज में तकलीफ आ रही है कि नहीं? इलाज में कोई तकलीफ नहीं आ रही। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का ये द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ा है। आगे चलेंगे और यहाँ पे कैंसर के पेशेंट का किस प्रकार से इलाज किया जाता है, इतना साफ सुथरा अस्पताल है, यहाँ पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, और आखिर ये अस्पताल जो है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैसे बन गया, 7000 बेड का ये हॉस्पिटल है, उन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम यूपी के हैं। यूपी के? हाँ, गोंडा जिला के, यहाँ बड़ौदा में। किस लिए आए हैं? कैंसर के इलाज के लिए। किसका इलाज कराना है? ये बच्ची का। बच्ची का इलाज हो रहा है कि नहीं? इलाज तो हो रहा है। हो रहा है, ठीक ठाक इलाज हो रहा है? हाँ, ठीक ठाक हो रहा है। कोई दिक्कत? दिक्कत तो अभी तक कुछ नहीं है अपने। अच्छा, यूपी में इस प्रकार का अस्पताल नहीं है? नहीं नहीं, नहीं है। क्या? नहीं है। नहीं है। अच्छा, क्या हुआ है बच्चे को? बच्चे को किडनी का कैंसर है। किडनी का? दोनों किडनी में। तो क्या लगता है? अभी डॉक्टर लोग अभी बोले कि एक महीना और देख लो। दो महीने से तीन महीने चल रहा है इलाज। यहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी उमी होती है कि नहीं होती? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी नहीं होती है? किसी चीज़ की नहीं हुई कमी आज तक। किसी भी चीज़ की तो होती होगी, कोई तो समस्या होगा पेशेंट को? नहीं, अभी तक तो मैं तो 6 महीने से आता हूँ यहाँ पर पेशेंट को लेके, अभी तक किसी बात की कमी नहीं। अच्छा, ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है क्या? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। कितना बेड है इसमें? इसमें तो बहुत सारे हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर बहुत सारे मतलब नहीं मिला और इतना बेड मैं गिन नहीं पाया। यूपी बिहार में इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल होता है क्या? नहीं, इतना साफ सब प्राइवेट हॉस्पिटल की अपेक्षा भी नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम सुपर हॉस्पिटल। क्या नाम हुआ आपका? दूरी जयंत। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे मतलब मेरे पेशेंट है, मेरे अंकल है, वो एडमिट है। अच्छा, पेशेंट का इलाज सही से होता है कि नहीं? हाँ, सही से होता है, पर मेरे ख्याल से फैसिलिटीज़ और बढ़ानी चाहिए। अच्छा, क्या क्या फैसिलिटी बढ़ाना चाहिए? जैसे कि देखो, अभी PMJAY के कारण थोड़ा 5 लाख का वो लोग को थोड़ा फायदा मिलता है। हाँ। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें 5 लाख रुपए का फायदा मिलता है लोगों को। पर इसमें मेरे को क्या लगता है, एक तरह का प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। मैंने ये देखा है कि वो लोग बिल ज़्यादा दिखाते हैं और इसके कारण क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम कर रहे हैं। इसलिए मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गड़बड़ी होती है? हाँ, गड़बड़ी होती है, 100% होती है। आप अगर इसमें ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना चाहिए, फ्री में देना चाहिए दोनों के दोनों चीज़। अच्छा, इस प्रकार का हॉस्पिटल और जगह पे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। ये कैंसर डिपार्टमेंट का OPD सेंटर है और ये मेन सेंटर है। OPD सेंटर के जस्ट सामने जो है आप सभी को ऑक्सीजन प्लांट का दिखाई दे रहा होगा, जो वो है वहाँ पे है। अभी हम लोग वहाँ पे भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट कैसे काम करता है, लेकिन उसके पहले कुछ पेशेंट से भी हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो है इन लोगों का इलाज जो है सही ढंग से होता है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं और बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, तो जो बताएंगे वही तो हम लोग दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मेघानगर से आए। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरे ससुर जी का ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही हो रहा है। सही से हो रहा है क्या? सही से हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? लिमकेड़ा से। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आए हैं? हमारे काकी है, उसको लेके आया कैंसर के लिए। अच्छा, इलाज कैसा हो रहा है? अभी चालू हुआ है, आज चालू हुआ है। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? कपड़ों से आया मैं। अच्छा, इलाज हो रहा है क्या यहाँ? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा ढंग से? अच्छा ढंग से हो रहा है। कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, साफ। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानने का। क्या नाम है आपका? नानू राम सोलंकी। अच्छा, कहाँ से आए आप? MP से, बड़वानी जिला। MP से, मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैसा इलाज होता है? बढ़िया इलाज है, बढ़िया इलाज, इसीलिए तो हम वहाँ से यहाँ आए। वहाँ से यहाँ पे आए हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? या, अरे आपका नाम तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए। महमूद भाई। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम तो यही रहते हैं अहमदाबाद। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? इलाज के लिए। किसका इलाज के लिए? राजस्थान से आए। अच्छा, इलाज हो रहा है कि नहीं सही से? सही है, सही है इलाज, ठीक ठाक इलाज है। क्या नाम है? अकबर भाई है। अच्छा, अकबर भाई, यहाँ पे इलाज कैसा होता है? राजस्थान से आए हैं, अभी 8 रोज हुए, हाल तो रिपोर्ट चेक करा रहे हैं हम तो, क्या अभी हाल डॉक्टर को चेक कराना है, अभी चेक कराना है। हाँ, रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। यहाँ पे एक महिला भी है, उनसे भी हम लोग। क्या नाम है आपका? रमा भाई। कहाँ से आई हैं? MP से। MP से, मध्य प्रदेश से। अच्छा, किस चीज़ के लिए आई है यहाँ पे? गठन हो रही है। ओह, इलाज के लिए। तो इलाज उलाज हो रहा है कि नहीं? जांचे हो रही, जांचे हो रही है जी। यहाँ पे मेरे साथ एक भाई है जो इस ऑक्सीजन प्लांट को चलाते हैं। सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए, जो ये ऑक्सीजन प्लांट है वो कितना घंटा तक काम करता है लगातार? देखो, लगातार
24/7 डे ये चालू रहता है, चालू रहता है, ये बंद रहता नहीं है, ठीक है। और ये बंद रहना भी नहीं चाहिए कि पेशेंट है तो बंद थोड़ी रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें पूरा ये पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी GCR है, न्यू बिल्डिंग, वो पूरा ऑपरेट यहीं से होता है, पूरा ऑपरेट यहीं से होता है, हाँ यहीं से ऑपरेट होता है। अच्छा, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में कभी ऑक्सीजन की कमी होती है कि नहीं होती? नहीं, आज तक ऐसा कोई आया नहीं है। और दो टैंक है छोटी, हमारे पास पैर में क्या है, एक एक लंबी वाली टैंक है बराबर, एक दो तीन छोटी वाली है, अरे सॉरी दो छोटी वाली है, एक स्पेयर में एक ट्रॉली है बराबर है, और इमरजेंसी में भी बाटले है, हमारे पास पूरा प्लांट है हमारा तो पूरा बड़ा। शायद यही कारण है कि इस अस्पताल को जो है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाता है। अच्छा ये बताइए, इसमें रिफिल कैसे होता है? रिफिल यहाँ से होता है, जब कोई आता है और जो बड़ा गाड़ी आती है इसमें LMO आती है बराबर, वो इसमें रिफिल करते हैं, रिफिल करने के बाद अंदर इसमें जमा होता है। अच्छा, रिफिल के दौरान बंद होता है कि नहीं होता? नहीं, चालू कंटिन्यू चालू होता है। अगर बंद रहता है बराबर है तो फिर तो स्पेयर में पास हमारे पास दूसरी चीज़ पड़ी है, चीज पड़ी है हमारे पास। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, बड़ी टैंक में प्रॉब्लम है तो हमारे पास दो लिक्विड। तो इसमें जब रिफिल हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके पास यहाँ से बाल चालू रहते हैं 24 घंटे, और यहाँ से चालू का ये मेन वाले यहाँ से रिफिल ये वेपर। अच्छा, ये पूरा बर्फ बन गया है क्या? हाँ, ये बर्फ होता है, लिक्विड के हिसाब से बर्फ बनता ही है, ये बर्फ नहीं बनता। हाँ, ये पूरा क्या है, ये लिक्विड के कारण इससे 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 गैस बनके ये जाता है बिल्डिंग में, मतलब कि टैंकर से आता है इसमें लिक्विड, और हाँ लिक्विड आता है, उसके यहाँ ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है, हाँ। और उसके बाद से ये क्या करता है? ये वेपराइजर है, ये दोनों वेपराइजर है, हाँ। दोनों सेम ही है। पास है, यहाँ से प्लांट में जा रहा है, प्लांट में जाता है, प्लांट से पूरे बिल्डिंग में जाता है। अच्छा ये बताइए, जो दो लग्जरी बस यहाँ पे खड़ी है इसका काम क्या होता है? ये जो दो लग्जरी बस है इसके अंदर हर संडे या वीक में कभी भी डॉक्टर इसके अंदर बैठ के बाहर जाते हैं, और ओपीडी देखने के लिए, ओपीडी देखने के लिए। और इससे क्या होता है? वो सारा मेडिसिन वगैरह सब लेके जाते हैं, और डॉक्टर वहाँ पर सिविल में जो भी किसी गुजरात में कोई भी ऑर्डर मिलता है कि वहाँ पर ओपीडी देखो जा करके, तो वहाँ पर सारा मेडिसिन से लेकर के सारा स्टाफ से लेकर के पूरा इनमें डोर टू डोर देखते हैं। अच्छा, हमेशा डॉक्टर जाते हैं बाहर? यस, ये जो होता है डॉक्टर का एक कैंपेन टाइप में कैंप होता है, जो कि कैंप बोला जाता है, जो कि अहमदाबाद या गुजरात के कोई रूरल तालुका में जाते हैं, जहां पेशेंट वहां से यहां तक पहुंच नहीं पाते, वो पेशेंट को जागरूक करते हैं कि पेशेंट ओपीडी कैंप टाइप में चलाते हैं, जिससे पेशेंट आते हैं तो वहां पे मेडिसिन की व्यवस्था अवेलेबल नहीं रहता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी अप्लाई करते हैं, जो नॉर्मल डायग्नोसिस रहता है उसको करते हैं, और साथ में कंसल्ट करते हैं। तो वो जो पेशेंट को कर देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो पेशेंट फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम दिखाने आएगा तो सिविल हॉस्पिटल में आएगा। क्या नाम हुआ सर? केतन भाई। अच्छा, यहाँ पे कोई पेशेंट आए हैं आपके? हमारा भतीजा आया हुआ है। अच्छा, कैसा इलाज होता है यहाँ पे? नहीं, अच्छा होता है यहाँ पे। अभी ऑपरेशन में उसको रखा है, ऑपरेशन का अभी उसका हो गया है, उसको अभी बाहर लाया है, ऑपरेशन सक्सेस गया उसका। सक्सेस गया। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मधुबेन। अच्छा, यहाँ पे कोई आपका पेशेंट आया है क्या? मेरी मामी सास है। अच्छा, कैसा इलाज होता है यहाँ पे? अच्छा होता है। कैसा इलाज होता है? अच्छा है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ होता होगा यहाँ पे? नहीं, कुछ गड़बड़ होती तो पब्लिक इधर नहीं आती ना, गांव से। कोई पब्लिक इधर नहीं आती। अच्छा इलाज होता है तभी इधर आता है ना, सब सही होता है। कहाँ से आई हैं आप? हम यहाँ से आए हैं मैम को, प्रेमनगर से, अहमदाबाद से ही आई हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ? नैना बेट। अच्छा, इस अस्पताल में कैसा इलाज होता है? अच्छा होता है। कैसा? अच्छा होता है। अच्छा होता है। अच्छा होता है। अच्छा, आप लोगों का पेशेंट कोई आया है? भतीजा आया है, उसका इलाज हो रहा है अंदर, ऑपरेशन चलता है। अच्छा, स्ट्रेचर के लिए या किसी चीज के लिए कोई गार्ड वार्ड पैसा नहीं मांगते? कुछ नहीं मांगते। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को भगाया वगाया नहीं जाता? नहीं भगाया। बाकी इस एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस प्रकार का हॉस्पिटल जो है देश के किस किस कोने में बनाया जाना चाहिए इस पे भी आप लोग राय जरूर रखना। साथ ही साथ मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अस्पताल के अंदर घुस के हम लोगों ने वीडियो बनाया, यहाँ का सिक्योरिटी को, यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के इंचार्ज को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं
नहीं हुआ, वैसे ही बिहार के भी अस्पतालों में मीडिया जाने चाहिए, वहाँ की सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अस्पताल में गड़बड़ियाँ होती हैं वहीं पे मीडिया को प्रतिबंधित किया जाता है। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें हाई कोर्ट के जज ने साफ साफ कहा है कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल पे मीडिया रिपोर्टिंग को बैन नहीं किया जा सकता है, सरकारी संस्थानों में मीडिया रिपोर्टिंग को बैन नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र ना हो। जैसे आर्मी का कुछ क्षेत्र होता है वो प्रतिबंधित होता है, वहाँ पे मीडिया रिपोर्टिंग बैन रहता है, तो प्रतिबंधित क्षेत्र अगर ना हो तो वहाँ पे मीडिया को स्वतंत्र काम करने दिया जाए, उन्हें रिपोर्टिंग करने दिया जाए। बस, जय हिंद।